आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक डस्ट लैम्प की, जो आज ही फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। पैकेट देख के आपको लग गया होगा कि ये फ्लिपकार्ट से है। और आइए देखते हैं कि इस डस्ट लैम्प के फ़ीचर्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स में मिलती हैं, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। जैसा कि मैंने ऑर्डर किया था उस समय बहुत प्रीमियम क्वालिटी लग रही थी प्रोडक्ट की। तो आइए इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या क्या है बॉक्स में, क्या इसकी क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं। जैसा कि ऑलरेडी इसमें चेक किया है मैंने कि इसमें टच सेंसर वगैरह के फ़ीचर्स भी आते हैं। तो फिलिप्स इकोलिंक डस्ट लैम्प है ये। कुछ डिटेल्स इसमें आप देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं जो दिया हुआ है। इसमें यूएसबी केबल मिल जाता है आपको, और कुछ और भी फ़ीचर्स आपको टच के फ़ीचर्स मिल जाएंगे, कितने टाइम तक ये चलेगा वो मिल जाएगा, और ब्राइटनेस कंट्रोल भी आप इससे कर सकते हैं। ट्वेंटी नॉज की एलईडी लाइट इसमें लगी हुई है। और अगर प्रोडक्ट के कलर की बात करें तो दो कलर में ये प्रोडक्ट आता है, एक मिस्टिक वाइट और दूसरा सी ग्रीन। बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट है इसका कलर मिस्टिक वाइट है। अब ये मिस्टिक वाइट कैसा होता है ओपन करके हम लोग देखते हैं इसको। और कुछ खास प्रोडक्ट पे नहीं लिखा हुआ है, तो आइए इसको ओपन करते हैं और आसानी से ये खुल जाएगा। इसके लिए कोई अदर टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सी क्या क्या है बॉक्स में। सबसे पहले तो हमें एक ये यूएसबी केबल मिल जाता है, जो कि नॉर्मल फ़ोन चार्ज के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास आपका अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो घर में यूज़ होने वाले नॉर्मल फ़ोन के चार्जर से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो फ़ोन के चार्जर आते हैं 5 वोल्ट का रहता है, तो आसानी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। बॉक्स में ये दो ही चीज़ आपको मिलती है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो सेटिस्फैक्शन। पैकेट को ओपन करते ही टच करते ही एक प्रीमियम सी फील आती है। इसका कलर भी आप देख रहे होंगे कि कलर इसका बहुत प्रीमियम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, और टच इसका बहुत ही सॉफ्ट है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बैकग्राउंड मिल जाएगी, बहुत ही लाइट वेट है इसका। और इसमें आपको एलईडी बल्ब बिल्ट इन मिल जाता है आसानी से। और जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्होंने प्रोडक्ट मटेरियल यूज़ किया है। इसको जिस तरह से आप चाहें फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें घुमा सकते हैं। यहाँ से आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। जब ये चार्ज होगा तो इसमें रेड लाइट जलेगी, और फुल चार्ज होने पे ग्रीन लाइट हो जाएगी। ओपन करना है तो अब इसमें लिथियम बैटरी इनसाइड लगी हुई है, इनबिल्ट है। ओपन करने के लिए आपको स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो। आसानी से इसको आप फोल्ड करके कहीं रख भी सकते हैं छोटी सी जगह पे। सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि टच की फैसिलिटी है इसमें, इसमें कोई स्विच वगैरह नहीं लगा हुआ है, आसानी से टच कर करके ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइए ऑन करके देखते हैं कैसी इसकी लाइट है, कैसी इसकी लाइट क्वालिटी है, और इस सिंगल बटन में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। जैसा कि फिलिप्स क्लेम करता है कि इस सिंगल बटन से आप ऑन ऑफ और ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले इसको हम दिखाने के लिए आपको मैं इसको ये देख सकते हैं ऑन हो गया। अभी इसको वापस उस पर टच करेंगे तो ऑफ हो जाता है। सिंपली जस्ट आपको टच करना है, ऑन ऑफ हो जाएगा। थोड़ी देर तक क्लिक करके रखते हैं तो थोड़ी देर तक वहाँ पे अगर फिंगर रखेंगे तो ये इसकी जो ब्राइटनेस है ये कंटिन्यूसली बढ़ने लगती है। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। अभी कंटिन्यूसली यहाँ मैं टच करके रखूँगा तो इसकी ब्राइटनेस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, जैसा देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, बजट में बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।